तो अरवी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 350 ग्राम अरवी है। कोशिश कीजिएगा ये थोड़े सीधे सीधे हों, टेढ़े मेढ़े ना हों। और यहाँ पे दो प्याज है, एक टमाटर है। पहले इन सब को मैं कुकर में इस तरह से सेट करके दो सीटी जितना बॉयल होने के लिए बिठा रही हूँ। तो एक कटोरी रख दें, नीचे में दोनों प्याज और टमाटर रख दें, ऊपर में एक प्लेट रख के अरबी को इसी के ऊपर रख दें। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि अरबी जब हल्का सा स्टीम हो जाएगा तो आसानी से इसके छिलके उतर जाएंगे। तो बस दो ही सीटी लगाना है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो 2 चम्मच जितना धनिया का पाउडर, 1 चम्मच जितना ये लाल मिर्ची का पाउडर है, और यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लिया है मैंने, और 1/2 टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून जितना जीरा पाउडर है। सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1/2 टीस्पून जितना अजवाइन और 1 टीस्पून ये सौंफ लिया है। इनका मैं पाउडर नहीं बना रही हूँ, इनको बस कूट के दरदरा मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे अब स्टीम हो गया है, तो इन सबको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो ठंडे होने के बाद फिर इनके छिलके मैं उतार लूँगी। तो यहाँ जो मैंने टमाटर और प्याज बॉयल किए थे, ये भी ठंडा हो जाएगा। तो इनको मिक्सी ग्राइंडर में इनका पेस्ट बना लूँगी दोनों को एक साथ। तो यहाँ पे मैं मिक्सी ग्राइंडर में डाल दे रही हूँ, इसको ठंडा हो जाएगा यार, तभी हम इसका पेस्ट बनाएंगे। और मैंने यहाँ पे अरवी को इस तरह से कट कर लिया है मीडियम राउंड शेप में, ज़्यादा ना मोटा ना पतला। ज़्यादा पतला काट लेंगे तो फिर ये घुल जाएगा जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे मसाले जो मैंने तैयार किए हुए हैं, अब एक बड़े से बॉल में लेके अरवी के ऊपर मैं इन सबको डालकर कोट कर दे रही हूँ मसाले को। तो पाउडर मसाला डाल दिया है, अब यहाँ पे सौंफ और अजवाइन को जो कूटा हुआ था उसे भी डाल देते हैं। और 2 चम्मच जितना यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में डाल रही हूँ। ये इसलिए डाल रही हूँ कि ये अच्छी तरह से सारे मसाले अरबी में मिक्स हो जाएं। और इसको 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रहने दीजिएगा। तब तक हम मसाला भूनकर तैयार कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है 1 बड़े टेबल स्पून जितना, और यहाँ पर जीरा और साबुत मिर्च डाल दिया है। ये हल्का सा जब चिटक जाएगा तो ये टमाटर और जो प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था वो यहाँ पे शामिल कर दिया है। अब प्याज और टमाटर को भूनना बहुत ज़रूरी है, तो आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगा। बस इसको ही अच्छी तरह से भूनना है। टमाटर और प्याज ये दोनों कच्चा नहीं रहे, अच्छी तरह से भून जाए, इसलिए यहाँ पे नमक भी डाल दिया है मैंने। नमक के साथ साथ हल्दी भी डाल दीजिए यहीं पर। जब तक ये भूनेगा नहीं तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा, इसलिए प्याज टमाटर को भूनना ज़रूरी है। तो जब ये भूनने लगेगा तो धीरे धीरे यहाँ से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी 2 मिनट और लगेंगे, आप देखिए अब जाके मसाला भून गया है, कलर भी चेंज हो गया है और सारे ऑयल अब अच्छी तरह से बाहर निकल के आ गए हैं। तो इस स्टेज में मैंने अरवी को ऐड कर दिया है। अब अरवी को आपको बहुत हल्के हाथों से चलाना है, इसे मसालों में मिक्स करना है। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे, ऐसा लगेगा आपको ये सब कुछ मिक्स हो रहा है, चिपक रहा है, लेकिन जब ये भून जाएगा तो सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हल्के हाथों से चला के 2 मिनट के लिए ढक दिया था। उसके बाद जब मैंने इसे खोला है तो फिर से एक बार और इसे चला रही हूँ। ये चलाना, उलट पुलट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि सब तरह से मसाले अच्छी तरह से भून जाएँ। पैन में लगेंगे कोई बात नहीं, जब ये भून जाएगा तो पैन से भी ये बाहर निकल जाएगा मसाला। तो यहाँ पर अब ये भून चुका है, तो अरवी अच्छी तरह से भून गई है, मसाला भी भून चुका है। तो यहाँ पे मैं आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये ज़रूर डालिएगा, इससे सब्जी का जो स्वाद है वो बढ़ जाएगा। तो बस इसको मिक्स कर देना है 1 मिनट ही, आपको थोड़ा सा और बस लास्ट में मिक्स करते हुए भूनना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब सब्ज़ी अच्छी तरह से भून गई है, पक गई है, तो ये पैन भी मसाले छोड़ दिए हैं। तो देखिए अब पैन में मसाले नहीं चिपक रहे हैं, मैं जहाँ भी दिखा रही हूँ वहाँ से सारे मसाले अब अरबी में कोट हो गए हैं, पैन में अब मसाले नहीं रहे हैं। तो अब ये अरबी भुन चुकी है, तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको पता चल जाता है कि मसाला भुन चुका है जब ये पैन से मसाले निकल जाएंगे। तो ये तीखी करारी अरबी की सब्ज़ी बन के तैयार है। आप इसे रोटी या चावल किसी के साथ भी पेय कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, बहुत ही तीखी करारी और चटपटी सी बनी थी।
अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।